स्टोरी सुनना चाहते हो? यस मैम। तो एक नवे गांव खैरी नाम का एक गांव था। कौन सा गांव था? नवे गांव खैरी। उसमें एक बंसीलाल नाम का किसान था। क्या नाम था? बंसीलाल। उसको दो बेटे थे। चलो नाम बताओ। एक पहले बेटे का रमन। रमन, ओके रमन। और दूसरे बेटे का नाम क्या था? निहाल। निहाल, ओके। और ये था बड़ा बेटा और ये था छोटा बेटा। छोटा। तो बंसीलाल के पास खेत के तीन टुकड़े थे और बीच में तालाब था। तालाब में पानी होता है। यस। पानी का यूज खेती के लिए होता है। यस। तो उसने इस तरह से खेत का अरेंजमेंट किया कि बीच में एक तालाब होना चाहिए, तो ये पानी इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। यस। अब बंसीलाल हो गया बूढ़ा, तो उसकी इच्छा थी कि ये तीनों खेत में अपने बेटों में बराबर बांट दूं, ओके। लेकिन उसको खेत के टुकड़े नहीं करने हैं, थ्री पीसेस है, थ्री रहेंगे। तो उसने क्या किया, ये जो बड़ा टुकड़ा था वो रमन को दे दिया। आपको जानते हो ना कि इस खेत का शेप कौन सा है? स्क्वायर है। और ये दोनों टुकड़े उसने, ये दोनों भी दे दिए अपने छोटे बेटे निहाल को। निहाल, ठीक है। अब बेटे तो बेटे हैं, तीनों भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब बड़ा बेटा नाराज हुआ, मुझे एक ही टुकड़ा क्यों मिला भाई, छोटे को दोनों मिले। तो छोटा बेटा बोला था, उसको देखो कितना अच्छा सा बड़ा वाला टुकड़ा मिला, फूलों वाला है, और मुझे सीधे छोटे छोटे दो टुकड़े मिल गए। वो गए बंसीलाल के पास, बोले बंसीलाल बोले नहीं, एक्सचेंज नहीं करना है, आपको मैंने जो दिया है वो सही दिया है। अब दोनों भी बेटे नाराज हो गए, तो क्या आप उनकी नाराजगी दूर करेंगे? क्या बंसीलाल ने ठीक किया है, उनके बराबर बंटवारा किया है खेती का? कैसे कैसे? यस मैडम, एरिया सेम है। क्या आप एरिया निकाल सकते हो इसका? यस मैम। इसके पास बड़ी स्केल है। ओके ओके ओके। चलो आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ जल्दी, सोचना नहीं। चलो अब ये इसका एरिया निकालने वाला है। चलो सबसे पहले रमन के हिस्से में जो खेत आया है उसका एरिया निकालो। ये है 20 सेंटीमीटर। अभी देखो खेत कभी सेंटीमीटर में नहीं होता, तो ये मैंने मॉडल करके लिया है, ओके। तो इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड टू साइड, साइड स्क्वायर और साइड इंटू साइड। तो इसका मतलब रमन को कितना खेत मिला है? 14 सेंटीमीटर। ओके ओके। अब निहाल के हिस्से में कितना खेत आया ये हम देखेंगे। चलो निकालो। ये है 12 सेंटीमीटर, लेंथ है 12 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड। इसका एरिया निकाल सकते हो स्क्वायर का? यस। साइड टू साइड, निहाल के खेत के साथ। यस मैम।
ठीक है, बने टीके का ये yes, ma'am. और इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, याद है? ओके, आपका काम थोड़ा मैं आसान करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, मैं सिर्फ राइट ट्रायंगल में सामने रखती हूँ. इस राइट ट्रायंगल में ये साइड 20 सेंटीमीटर थी, करेक्ट? yes. ये साइड कितनी थी? 12 सेंटीमीटर. ये साइड कितनी थी? 16 सेंटीमीटर. और 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. बोलते है ना पाइथागोरस थ्योरम, अब नहीं भूलेंगे पाइथागोरस थ्योरम. yes, जब भी आप लोगों के सामने आता है याद करना, राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस के ऊपर जो स्क्वायर होता है उसका एरिया साइड स्क्वायर वो इक्वल होता है अदर टू साइड्स के ऊपर जो रेक्टेंगल जो स्क्वायर होते हैं उनके एरिया के बराबर. yes, इसीलिए 12, 16 और 20 ये जो तीन नंबर है, दिस थ्री नंबर सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पढ़े हैं आप, पढ़ चुके हो ट्रिपलेट? तो जो तीन नंबर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते थे उनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दूसरा एग्जांपल 5, 8, 6 और 10 ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इसमें हाइपोटेनस है 10. अब स्क्वायर करो उसका, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. और बाकी जो दो नंबर है उनके स्क्वायर की सम करो, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 100. तो ये है और एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम. एक बार स्टेटमेंट बोल ले. यस मैम. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स. ओके, यस मैम.